जनपद संभल के चंदौसी में 29 मार्च 2022 से दो दिन की हड़ताल के दूसरे दिन गांधी पार्क चंदौसी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल के लिए प्रदर्शन किया गया, जिसमें समस्त चंदौसी मेडिकल एंड संस रिप्रेजेंटेटिव के कार्यकर्ताओं ने पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार करते हुए सरकार के आगे अपनी मांगों को रखा, जिसमें 26,000 वेतन और दवा, ऊपर से GST हटाने की मांग की गई और इसके साथ ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री बंद करने एवं 4 लेवल कानून को जो सरकार ने खत्म किए हैं उन्हें दोबारा लागू करने की मांग की गई। समस्त फार्मा कंपनी के एम्प्लॉयज ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई और साथ ही सरकार से अपनी मांगों को पूर्ण करने के लिए 2 दिन का कार्य का बहिष्कार किया गया है और यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो ऐसे ही आंदोलन आगे और भी करते रहेंगे। हमारी मांगे इस प्रकार है, 26,000 न्यूनतम वेतन, 4 लेवल कानून की वापसी, दवाइयों पर कोई GST ना रहे, ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री बंद हो। संजय शर्मा, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या मामला है? हमारी मांगे हैं, एक तो हमारा जो 4 लेबर कोड, जो लेबर के लॉज है वो गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म कर दिया, हम वो चाहते हैं कि वो रिपील हो जाए। दूसरा ये कि हमारा मिनिमम वेजेस जो है वो 26,000 हो जाए, मतलब मिनिमम वेजेस का मतलब मिनिमम बेसिक सैलरी कम से कम 26,000 रुपये होना चाहिए। दूसरा, जितनी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, गवर्नमेंट उसे बंद करे। और जो दवाइयों में GST है वो बहुत ज़्यादा है, वो GST ख़त्म होनी चाहिए। ऑनलाइन ट्रेडिंग से यह हमें नुकसान है कि हम लोग काम करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग में यह होता है कि हम जब काम करते हैं, जो हमारा यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बना हुआ है उससे जो दवाई बिकती है उससे हमारा टारगेट पूरा होता है। अगर हम ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी तो उसमें बाहर से माल आएगा, जिसमें हमारी जो सेल्स होती है वो सफ़र होती है, क्योंकि डॉक्टर अगर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है वो हमारे बेसिस पे लिखता है, हम मेडिकल लैब्स के बेसिस पे लिखता है। लेकिन वो दवाई जब बाहर से आती है, किसी दूसरे हेडक्वार्टर से आती है या किसी और कंपनी से डायरेक्ट बिक जाती है, तो उसमें हमें एडवांटेज नहीं मिलता। कंपनी का प्रेशर रहता है सेल बढ़ाने के लिए, हमारी सेल बढ़ती नहीं, जिसके हमारे एडवांटेज जो हमारे लड़कों के इंसेंटिव्स बनते हैं, उनके जो टूर्स वगैरह प्लान होते हैं, जो टूर्स इंसेंटिव मिलते हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ एक और भी है कि जैसे जो हमारे जो मैनेजर्स होते हैं, फिर हमें वो ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम यूनिटी से रहेंगे, हमारी मांगे मानी जाएंगी, जब हम लेबर लॉज में जाएंगे तो उन्हें अधिकार होता है, वो बिना किसी नोटिस के हमको निकाल सकते हैं। लेकिन अब अगर वो लॉज आ जाएंगे तो फिर हम उसको कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में उसके अगेंस्ट लड़ सकते हैं, फिर हमारी नौकरी दोबारा आ सकती है। वरना जो साहब हमारे हक को ख़त्म करने की जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, हम उसके अगेंस्ट है वो ये आंदोलन कर रहे हैं, हम पहले भी कर चुके हैं और आगे भी जारी रहेगा। अच्छा, निजीकरण करने से किसका फ़ायदा है? निजीकरण से फ़ायदा तो कंपनियों को ज़्यादा है, क्योंकि वो ठेका बेसिस पे हो जाते हैं ना। आप लोगों को नुकसान है? हम लोगों को नुकसान है, क्योंकि हम लोगों को पेरोल से बाहर कर देंगे, फ्रेंचाइजी कर देते हैं। फ्रेंचाइजी में क्या, फ्रेंचाइजी तो आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे, फिर आपका क्या होगा? हाँ, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे? ये बड़ी समस्या है, ये तो समस्या है ही, इसीलिए आज आप लोगों ने आंदोलन किया जी। एक बात बताइए, जब हमें पेरोल नहीं मिलेगा, है ना, प्रोविडेंट फंड नहीं कटेगा, पेंशन ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? और हमारे जब हमारी एज खत्म हो जाएगी 58, 56, 57 एक्ट के बाद में, तो हम फिर बेकार हो जाएंगे ना। तो वो जो हमारे जो फायदे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। ये हमारा उद्देश्य केवल यही है कि हम शांतिपूर्ण से आंदोलन कर रहे हैं, तो ये हमारा आंदोलन जो है, इसकी जो हमारी बात है, ये ऊपर तक जाएगी।